नमस्कार बच्चों, आगे हम सेकंड वीडियो पे केमिकल काइनेटिक्स के, ठीक है, हल्का सा रिवाइज कर लें। लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था बच्चों आपने? लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था एवरेज रेट, रेट सबसे पहले रेट, फिर एवरेज रेट, फिर इंस्टेंटेनियस रेट, और फिर आपने पढ़ा था डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। और डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन में हमने क्या बोला था? डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास दो तरह की रेट है, वन इज कॉल्ड द एवरेज रेट, वन इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट, विच वन इज द बेटर वन, तो आप बोलोगे इट्स द इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन दिस वीडियो, हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, पहले तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट के ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। और फिर हम अगर टाइम मिलेगा तो हम शायद रेट लॉ पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आते हैं। मैंने पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 टू 0.02 इन 25 मिनट्स। नाउ पहली बात आपको ये देखना है कि डेटा किसका किसकी फॉर्म में गिवन है, रिएक्टेंट की फॉर्म में गिवन है, रिएक्टेंट का डेटा चेंज हो रहा है 0.03 टू 0.02। ठीक है, यानी कि अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने कल पढ़ा था कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बात करते हैं, सपोज मेरे पास रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पैसिव टाइम कम होगी। हाँ या ना? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पैसिव टाइम कम होगी, हाँ या ना? पढ़ा था ना आपने, पढ़ा था रिएक्टेंट, तो वो कम हो रही है। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी? इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में सपोज हम मान लेते हैं A1 कितनी है 0.03 है। ठीक है, और A2 कितनी है? सेकेंड कंसंट्रेशन 0.02 है। ठीक, और अब हमें क्या बोला गया इन 25 मिनट्स, यानी कि T1 हमें कुछ नहीं देगा, 0 मिनट देगा, और T2 क्या हो गया? 25 मिनट्स हो गए। ठीक है बच्चों, अब उसने बोला कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन मिनट्स एंड सेकंड्स। एवरेज रेट निकालना है मिनट्स में और सेकंड्स में। ठीक है, तो एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या था? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन कम होती है, कम में से ज्यादा माइनस करोगे तो रेट नेगेटिव आएगा, रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आएगा? T2 माइनस T1। ठीक है, तो माइनस का साइन लगाते हुए यहाँ पे 0.02 माइनस 0.03 अपॉन कितना जाएगा? 25। राइट, अब ये जो डेटा है अभी मिनट्स में है, तो जो भी यूनिट आएगी आर एवरेज की वो मिनट्स में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा? -0.01 माइनस इंटू -0.01 अपॉन 25। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? ये ना, ठीक है, 25 4 100 4 10 4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है बच्चों, ज्यादा हो गया या तो कोई इशू? ये फोन बच जाता है डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, या तो कोई इशू या तो आ गया। अब ये था मिनट्स में, तो आर एवरेज इन सेकेंड्स, सेकेंड्स में क्या करेंगे? ठीक है, ये है 4 × 10⁻⁴ सॉल्व करने के बाद 100 104 आएगा। अब बात किससे क्या करेंगे? ये क्या है? मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें 60 सेकेंड होते हैं एक मिनट में। ठीक है, एक मिनट में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद? 6.67 × 10⁻⁶ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इतनी बात समझ में आई। ठीक है, पहले हमारी गलत एवरेज रेट मैंने आपको कल कैलकुलेट करना सिखाया था। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल है बेटा एवरेज रेट के, मजा तो तब आएगा जब आप एवरेज रेट निपटा के आगे चलोगे। ठीक है, आगे एक और न्यूमेरिकल करें। ठीक है, तो सेकंड न्यूमेरिकल पे आप, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है बेटा, ये सारे न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के, पहले एनसीईआरटी निपटा लेते हैं फिर आगे चलेंगे। न्यूमेरिकल तरीका है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन
छोटा बना दिया मैंने तुम्हारे लिए, ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत लंबा फालतू का चीज दिया होगा। ऑफ N2O5 इन CCl4 इज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें इक्वेशन गिवन है 2N2O5 gives you 4NO2 plus O2, ये हमें गिवन है कि उसने क्या बोला CCl4 जो है वो सॉल्वेंट है, इसका रिएक्शन में कोई लेना देना नहीं है, N2O5 का डिकम्पोजिशन हुआ है और ये वाली इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब मुझे गिवन है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 मैं वही डेटा ले रहा हूं जो आपके बुक में है, इस 2.33 m एंड आफ्टर 184 मिनट्स, ठीक है, द कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 2.08 m, ठीक है, मतलब इतने टाइम बाद कंसंट्रेशन इतनी कम होगी। अब उसने क्या बोला, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन मिनट्स आवर्स एंड सेकेंड्स, ठीक है, ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोल रहे हो, कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, पहले चलो पहले हम डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, एक ट्रिक, पहली ट्रिक इस चैप्टर की, बहुत सारी ट्रिक्स हैं मेरे पास, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, पहली ट्रिक इस चैप्टर की देखिए। तो सबसे पहले तो हम डेटा लिख लेते हैं, भैया N2O5 हमें ये दे रखा है, ठीक है, अब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है N2O5 की, N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन मैं आई लिखूंगा, आई मतलब इनिशियल, ये दे रखी है 2.33 m, ठीक है, और N2O5 की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, फाइनल F, F मतलब फाइनल, I मतलब इनिशियल, ये गिवन है 2.08 m, ठीक है। अब T1 जो है वो तो जीरो दे रखा है क्योंकि और कोई टाइम गिवन नहीं है, और T2 जो दे रखा है 84 मिनट्स, ठीक है। अब देखो बेटा क्या, जब इसका R एवरेज निकालने जाओगे ना, अब बच्चे गलती क्या करते हैं देखो मैं बताऊं, R एवरेज निकालो, R इंस्टेंटेनियस निकालो, स्टिच्योमेट्री जरूर देखनी है। स्टिच्योमेट्री क्या है, 2N2O5 gives you 4NO2 plus O2, इसके 2 मोल डिकम्पोज हो गए, और बच्चे क्या करते हैं गलती, इन 2 को, तो गलती क्या नहीं करनी है बेटा, गलती ये नहीं करनी है कि इसको नहीं भूलना है, बच्चे एवरेज रेट बनाते समय इसको भूल जाते हैं। अब देखो कैसे, ऊपर एक R एवरेज में क्या लिखूंगा, R एवरेज में लिखूंगा N2O5 का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस N2O5 का इनिशियल आई है यार अपॉन फाइनल टाइम 184 माइनस 0, है ना, T1 0 है, अब यहां पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि तो फाइनल कंसंट्रेशन का है। अब बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को भूल गए, क्या बोला, इस 2 को भूल गए, भूल गए बेटा, ये नहीं भूलना है, जब भी रेट निकलता है वो 1 मोल की टर्म्स में निकलता है, ये 2 कहां जाएगा, फ्रैक्शन में जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा, आर एवरेज 1/2 माइनस में 2.33 माइनस 2.08, ठीक है, अपॉन 184, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 0.25 आएगा, प्लस 0.25 अपॉन 2 into 184, ये m है, ये मिनट है, agreed, हाँ या ना, समझ में आया। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपके पास 6.8 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, 6.8 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, यहां तक आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब सेकंड पार्ट, आर एवरेज इन 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 आर एवरेज को किस में निकालोगे, किस किस में बोल रखा है करने के लिए, आर में,
आर एवरेजिंग आर एच आर एस क्या आएगा मेरे पास आया 6.8 इंटू 10^-4 पूरा लिखो मोल पर लीटर पर मिनट ये लिखा हुआ आपका अपॉन अब ऊपरेगा अब मैं जब मैं इसको क्या करूंगा किसमें किसमें कन्वर्ट करूंगा आर्स में करना है ना तो भैया देखो ये कैंसिल होना चाहिए इसकी जगह आर कन्वर्ट होना चाहिए तो 16 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर है ना बेटा तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास क्या जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा यह आएगा अप्रोक्सीमेटली 4.07 इंटू 10^-2 ठीक है मोल पर लीटर पर आर एग्री इसमें कोई प्रॉब्लम ना तक आ गया ना तो कोई प्रॉब्लम ठीक है अब ऐसे ही अगर मैं बोलूंगा आर एवरेज इन सेकेंड्स तो सेकेंड्स में कैसे निकालूंगा ऊपर देखना जो भी मेरा रेट आया 6.8 इंटू 10^-4 पूरा लिखो मोल पर लीटर पर मिनट ठीक है अब ऊपर देखना 60 सेकेंड्स पर मिनट एक मिनट में कितने से अपॉन क्या होगा मिनट एक मिनट में 60 सेकंड होता है तो मिनट इनवर्स और मिनट इनवर्स कैंसिल जो भी आया यहां पे लिख दो 1.01 जो भी आएगा 1.13 इंटू 10^-5 मोल पर लीटर पर सेकंड तब समझ में आया हाँ या ना ठीक है समझ में आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा है अब दिख रहा है दिख नहीं रहा था ना गायब हो गया था दिखना अब दिख रहा है सबको ठीक है इसमें भी प्रॉब्लम यहां तक आ गया तो हमने क्या किया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया ये 2 का क्या करते हैं स्टोइकोमेट्री अगर यहां 3 दिया होता तो 1/3 4 दिया होता तो 1/4 बच्चे सबसे ज्यादा बड़ी गलती इसी में करते हैं अब क्या करना है दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान रखना है बाकी तो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल ही है अब सेकंड पार्ट क्या करना है सेकंड पार्ट क्या करना है जो सेकंड पार्ट क्या करना है सेकंड पार्ट क्या करना है इसको मैं रहने देता हूं जरा सेकंड पार्ट पे आते हैं सेकंड पार्ट पे आते हैं सेकंड पार्ट क्या बोलना है मुझे सेकंड पॉइंट मुझे बोल रहा है बेटा कि कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन अब अगर प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन बोलेगा या अगर रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्योंकि देखो ना ए बी में कन्वर्ट हो गया तो ए क्या है रिएक्टेंट ये क्या होगा इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आएगा बी क्या है प्रोडक्ट इसका रेट ऑफ अपीयरेंस आएगा है ना बच्चों तो अब हमें क्या बोला रेट ऑफ प्रोडक्शन पहली ट्रिक फर्स्ट ट्रिक ऑफ दिस चैप्टर जब भी रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आएगा क्या बोला जब भी रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आएगा हमेशा डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन को यूज करना ठीक है अब मेरे पास क्या दे रखा है इक्वेशन लिखो 2N2O5 गिव्स यू 4NO2 प्लस O2 ये दे रखा है ये तो है मेन इक्वेशन CCl ग्रुप का कोई रोल नहीं है तो मैं रेट क्या लिखूंगा रेट क्या लिखूंगा 1/2 डी कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय dt या डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय डेल्टा t ऐसा लिख सकता ठीक है हाँ या ना ठीक है इसकी कंसेंट ये मैंने निकाल ये पूरा मैंने निकाल लिया ये कितना आ गया कितना आ गया ठीक है अब यहां पे देखना ऊपर देखना 1/4 डी कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 बाय dt या डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 बाय dt ये निकाल रहे हैं ना डेल्टा टी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब रेट ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको कल सिखाया था अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप फंसोगे ठीक है अब उसने बोला रेट ऑफ प्रोडक्शन मैंने कहा था जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आएगा तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आते मतलब अगर आपको उसने बोला रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 बोला इसका मतलब पता है क्या डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी ये है ठीक है अब ऊपर देखना ये किसके बराबर है इसको इससे रिलेट करोगे 4 × रेट ये किसके इतना पोर्शन निकाला है ना तो 4 × रेट ये कितना है 4 × रेट हाँ या ना आया नहीं आया अब रेट कितना है
रेट क्या है, अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, रेट निकाला था 6.8 × 10⁻¹⁴। ठीक, तो मेरे पास क्या रहेगा, 4 × 6.8 × 10⁻¹⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। बच्चे यूनिट नहीं लिखते हैं और फिर नंबर खा जाते हैं। ठीक है बच्चों, आया ना, इतनी बात समझ में आ गई, इसको सॉल्व कर लेना। तो ये 2.8 × 32 × 6.24 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, ये आपका आ गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटल। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई, ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है बेटा। तो मेरे पास इतनी बात समझ में आ गई, तो वी हैव डन टू न्यूमेरिकल्स। अब आगे चले, आया ना, आगे चले। ठीक है, आते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड पे। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड पे, ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नंबर थर्ड में आता हूं। फॉर अ रिएक्शन, ठीक है, ए गिव्स यू बी, फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन। कई बार क्या होता है, डेटा बेस क्वेश्चन देते हैं, बच्चे टेबल देख के डर जाते हैं, करने को कुछ नहीं होता उसमें। फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन, ठीक है, अब क्या डेटा दिया गया मुझे, देखो मुझे दे रखा टाइम, टेबल में आया था दूरी, ठीक है, ध्यान देंगे प्लीज जरा, मुझे दे रखा टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है, और मुझे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एयर दे रखी है × 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एयर को 10⁻³ को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे बाहर। ठीक है, अब मुझे टाइम दे रखा जीरो, यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, सपोज मैंने बोला जीरो टाइम है 0 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, ऐसे निकाल लेते। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनको चेंज कर देते हैं, 5 से 10 कर दिया, 10 से 20 कर दिया, 20 से 30 कर दिया, ठीक है। सपोज हर बार जरूरी नहीं ना 5 से गिनना गैप होगा भाई, क्वेश्चन मेरा है तो डेटा भी मेरा ही होगा, ठीक है ना भैया। ठीक है, अभी हमें क्या कर दिया, यहाँ पे कंसंट्रेशन दे दी 160, यहाँ पे कर दी 80। अब देखो मेरा डेटा है, मेरे डेटे के हिसाब से पड़ेगा, यहाँ कर दिया 40, यहाँ कर दिया 10, यहाँ कर दिया 2.5। ठीक है, अब वो बोलेगा कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट एवरेज रेट, क्या बोला, कैलकुलेट एवरेज रेट। ठीक है, एवरेज रेट बोला कैलकुलेट करने की, किसमें, इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, इन डिफरेंट ईआरईएनटी, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं दो आपको निकाल के दिखा दूंगा और बाकी फिर सारे आप निकालेंगे, कितने रेट निकलेंगे, एक ये और भी निकल सकते हैं, 5 से 20 के बीच में, 10 से 30 के बीच में, तो बहुत सारा काम हो जाएगा। नहीं आया समझ में, पहले हम निकालेंगे 0 से 5 के बीच में। ठीक है, सॉल्यूशन चलो करते हैं, T1 को मान लिया 0, T2 को मान लिया 5, तो A1 क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ A1, A1 क्या थी, इनिशियल कितनी है 160, तो A2 कितनी हो जाएगी, A2 कितनी हो जाएगी 80। ठीक है, तो रेट वन, R1 इन दोनों के बीच में, R1 इन दोनों के बीच में, R2 इन दोनों के बीच में, R3 इन दोनों के बीच में, R4 फिर इन दोनों के बीच में, R5 फिर इन दोनों के बीच में, R6 6 रेट निकाल रहे हैं, एग्रीड, कुछ भी निकाल सकते ना बेटा। तो R1 मैंने जानबूझ के इसलिए बोला ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, कि जानबूझ के जो टेबल बेस बनाने के लिए जानबूझ के दिया जाता है, और आप ये सारे करेंगे और मुझे इसके आंसर भेजेंगे। ठीक है, तो R1 कितना है, R1 निकाल रहे हैं, तो A1 10⁻³ कॉमन है, इसको ऐसे रहने दो, इसको हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, मतलब फाइनल में यूज कर लेंगे लास्ट में दोनों। ये कितना है, अरे यार नहीं आया समझ में, 160 है ना, 160 है × 10⁻³ भी है ना मेरे भाई। ठीक है, A2 कितना है, A2 80 × 10⁻³, ये मैंने कॉमन ले लिया ना, A। ठीक है, R1 क्या आएगा, A2 − A1 / T2 − T1, तो A2 कितना है और माइनस साइन यहाँ पे आएगा। अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में कॉमन नहीं है, अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं 2 से डिवाइड करता नहीं करता, अभी समझाया था पिछले वाले न्यूमेरिकल में, अगर 4 होता तो 4 से डिवाइड करता नहीं करता, अगर 5 होता तो 5 से डिवाइड करता नहीं करता, यहाँ पे अगर 5 होता तो 5 से डिवाइड
डिवाइड करता नहीं करता, करता समझ में आया। तो अब मेरे पास क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है। ए टू कितनी है 80, ठीक है, माइनस 160, ठीक है, इंटू 10^-2 अपॉन टाइम कितना है 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 इंटू 10^-3 अपॉन 5, हाँ जी, तो कितना होता है 16 इंटू 10^-3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, एग्री। तो ये हो गया मेरा आर वन, आर टू आपको कैलकुलेट करना है, आर टू कब निकालोगे, आर टू वेन ये आपका काम है, मैं नहीं करूंगा, वेन टी वन इज इक्वल टू 5 सेकेंड एंड टी टू इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है। ऐसे ही आर थ्री निकालोगे, आर थ्री कब, वेन टी वन इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स एंड टी टू इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स एंड सो ऑन, आर थ्री आर फोर आर फाइव, ये सब आपको निकालने हैं। पहले बताओ मेरे ख्याल से समझ में आ गया, आगे चले तो वी हैव डन थ्री न्यूमेरिकल्स, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल पे आते हैं, ओपन एग्जाम क्वेश्चन नंबर फोर्थ फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको भी बने। चलो मैं अभी वही वाला रिएक्शन यूज करता हूँ, 2 × 5 = 4 × 2 + 2, ये रिएक्शन भी बने, ठीक है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 इज 4 × 10^-3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट, ये हमें गिवन है, कैलकुलेट ए पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन, बी पार्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 और सी पार्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O2, ठीक है जी। तो ये देखो, ये पेट क्वेश्चन है, सबसे प्यारा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलिए बोलिए तो आगे चले। अब सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जो गिवन है ना, जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2, रेट ऑफ अपीयरेंस में कभी भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आते हैं, कॉपी में लिख लो उसको, कॉपी में लिख लो क्या, कि रेट ऑफ अपीयरेंस एंड या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आते, ठीक है। क्यों नहीं आते, ये सिखा रहा पिछले वाले वीडियो को देखिए प्लीज। तो मुझे क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन गिवन है मुझे DO2/dt गिवन है, DO2/dt कितना है 4 × 10^-3 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये गिवन है मुझे। अब देखो, जब भी रेट बोले, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोले ना, तो मैं भैया आप लोगों को सबको बोलता हूं, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखा करो, क्या लिखा करो, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। तो डिफरेंशियल DIFFERENTIAL डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा, क्या आएगा इस रिएक्शन का, रेट आएगा, रेट इज इक्वल टू ये कहा जाता है, ये फ्रैक्शन में जाता है 1/t डी कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5/dt। अब देखो नेगेटिव साइन आता है, पर उसको सिर्फ हम यहाँ पे थ्योरेटिकली ही रखेंगे, जब हम मैथमेटिकली डेटा को सॉल्व करने जाएंगे तो नेगेटिव साइन हटाएंगे, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 1/4, ये पिछले वाले वीडियो को देखिए जिसने नहीं देखा, 1/4 डी कंसेंट्रेशन ऑफ N2O2/dt और यहाँ पे डी कंसेंट्रेशन ऑफ O2/dt याद तक आ गया। जब रिएक्टेंट्स होंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, प्रोडक्ट्स में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अब गिवन क्या है, गिवन है ये, तो देयरफॉर पहला पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू रेट को देखिए, इससे रिलेट जो डेटा गिवन होगा सबसे पहले उसको रिलेट करना है, ठीक है। गिवन क्या है मुझे, DO2/dt गिवन है, चेक करो क्वेश्चन में,
तो रेट किसके बराबर है? रेट इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt, है ना बेटा? और डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt कितना गिवन है? 4 into 10 to power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये मेरा पहला पार्ट हो गया, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, आई हैव कंप्लीटेड, उतना ही आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। सेकंड पार्ट क्या पूछा? सेकंड पार्ट पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। क्या लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं? रेट। मैंने कहा था जब भी रेट लिखते हैं तो सिर्फ इतना पार्ट आता है रेट ऑफ अपीयरेंस में। अगर वो रेट ऑफ अपीयरेंस पूछेगा तो सिर्फ इतना पार्ट आएगा, यानी कि इसका मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है? d कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय dt, नेगेटिव साइन लगाना लगा ऑप्टिमल चाहिए है, ठीक है? तो कितना आएगा? अब इसको से करो, 2 into rate, यानी कि 2 into rate अभी निकाला, 4 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकंड, दिस बिकम्स अवर आंसर। सेकंड पार्ट भी हो गया, एग्रीड? समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना, ठीक है। तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट उसने हमसे क्या पूछा कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O2 निकालो, यानी कि क्या बोला? रेट ऑफ अपीयरेंस, E A R E N C, अपीयरेंस ऑफ N2O2, यानी कि उसने हमें क्या बोला? इज इक्वल टू, इसका मतलब उसने हमें बोला dNO2 by dt निकालो, यानी कि सिर्फ इतना पार्ट निकालो। अब इसको फोर से रिलेट करो, फोर से रिलेट मतलब रेट से रिलेट करो तो कितना जाएगा? 4 into रेट, यानी कि 4 into रेट कितना आएगा? 4 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकंड, तो 16 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है जो वो पूछते हैं, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है जो वो पूछते हैं। हेलो, आया? आया ना, आया ना मुझे? तो एक और करें इसका, कितने नंबर करोगे? 4 ना। विल मूव ऑन टू द फिफ्थ वन, ठीक है? हटा दो उसको, पॉज करके बेटा नोट कर लेना, टाइम नहीं है इतना हमारे पास, ठीक है? आगे चले, गुड, बढ़िया। एक और देखते हैं, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? कोई अच्छा सा न्यूमेरिकल, अच्छी सी क्वेश्चन मिल जाए ना। कोई क्वेश्चन भी तो दिमाग में नहीं आ रही है, अच्छी सी क्वेश्चन मिल जाए कोई तो हम करें। चलो इजी देखते हैं, 2NH3 gives you N2 plus 3H2, ठीक है? For the above reaction, सारा ये बेटा देखो, rate of appearance, rate of disappearance, जब तक आप differential rate expression के question कर रहे हैं तब तक सिर्फ याद रखना stoichiometry important है, ठीक है? stoichiometry, stoichiometry जो भी आप बोलो, stoichiometry जो भी आप बोलो, मतलब ये जो बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, सारा गेम इसी का है, ठीक है? फॉर द अबव रिएक्शन, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 डिक्रीजेस, ठीक है, फ्रॉम 2 into 10 raised to power minus 3 mole per liter per second to, oh sorry, mole per liter, not second, mole per liter to 1 into 10 raised to power minus 3 mole per liter in 10 seconds, ठीक है? ये बोल दिया गया मुझे। A, calculate, अब आएगा ये rate of reaction, ध्यान देना। B, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ऑफ अमोनिया। सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 एंड H2। बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा चेंज किया है, ज्यादा चेंज नहीं किया बच्चों, ठीक है? तो ये बोलेगा, ये भी पेट क्वेश्चन है, ठीक है?
ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? तो मैंने क्या बोला, सर का गोल्डन रूल, सर का गोल्डन रूल यानी कि मेरा गोल्डन रूल, जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस आए हमेशा पहले डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखना है। क्या बोला मैंने? डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखना है। क्या होता है डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन? पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो फिर यहाँ कुछ नहीं आएगा। पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए, मैंने हमेशा बोला पूरा वीडियो देखा कीजिए। आजकल बच्चों में पेशेंस ही नहीं, सबसे बड़ी गलती करते हैं 10 मिनट वीडियो देखते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो कहाँ से आएगा बेटा पूरा वीडियो देखना? मैं बहुत लंबे वीडियो नहीं बना रहा बेटा, 30-35-40 मिनट के वीडियो, 30-35-40 मिनट की वीडियो, 40 मिनट से ऊपर मैं वीडियो बनाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए पहले, तभी आपको आगे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तो डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन में क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय डीटी। ये कहाँ जाएगा? ये फ्रैक्शन में आएगा, समझा जा रहा है? यहाँ पे डी कंसेंट्रेशन ऑफ N2 बाय डीटी, एग्रीड? यहाँ पे 1/3 डी कंसेंट्रेशन ऑफ H2 बाय डीटी, ठीक है? अब मुझे गिवन क्या है? गिवन क्या है? मुझे गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन क्या है? कंसेंट्रेशन इतनी डिक्रीज हुई यहां से यहां, ठीक है, यहां से यहां। तो सबसे पहले जिसका डेटा दिया होगा ना, सिर्फ उस पर कंसेंट्रेट करना है, सिर्फ इस पर कंसेंट्रेट करना है, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? रेट। रेट जब हम निकालेंगे तो हाफ तो पहले लिख देंगे, माइनस साइन यहां लिख दो। अब इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी देर रखी? चलो मैं पहले इनिशियल कंसेंट्रेशन कर देता हूं। NH3 की आई कितनी देर रखी? आई इनिशियल कंसेंट्रेशन 2×10⁻³। और NH3 की फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी देर रखी? F मतलब फाइनल, आई मतलब इनिशियल, 1×10⁻³। टाइम कितना देर रखा है? T1 कितना है? 0 सेकंड्स। और T2 कितना है? 10 सेकंड्स। ये ना, ठीक है? तो सबसे पहले R रेट क्या निकलेगा? रेट ये 2 मत भूलना, 1/2। तो NH3 की फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस NH3 की इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम 10 सेकंड, ठीक है बच्चों? दिखाई दे रहा है? मुझे बार बार चेक करना पड़ता है, ठीक है? तो ये कितना जाएगा? माइनस ये 10 × 20 कर दूं डायरेक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे कितना है? फाइनल कितनी थी? 2×10⁻³ माइनस 1×10⁻³ यानी क्या आ जाएगा? इनिशियली फाइनल माइनस इनिशियल हो गया ना, फाइनल 1 थी, इनिशियल 2 थी, ठीक है? तो यह आ जाएगा 1×10⁻³ अपॉन 20, ठीक है? तो इसको 10 100 कर देते हैं, 10⁻⁵, 5×10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड आ गया। तो रेट आ गया, रेट आ गया, रेट आ गया, रेट आ गया, पहला पार्ट हो गया। अब उसने बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनएससी, ठीक है? करते हैं ना, साथ साथ करते हैं, ठीक है? अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चाहिए, क्वेश्चन आ तुम गुड, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, ठीक है? अब मुझे याद है ना बेटा क्या लिखा हुआ? तो रेट ऑफ, रेट ऑफ किसका? डिसअपीयरेंस ऑफ एनएससी क्या होगा? मैंने हमेशा बोला सिर्फ DNSD/dt। जब आप इंडिविजुअल रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस निकालते हैं तो उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आते हैं, ठीक है ना? और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2×रेट, है ना बेटा? कितना हो जाएगा? 2×रेट, समझ में आया? N=2×रेट यानी कि 2×रेट कितना है? 5×10⁻¹ यानी कि 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। देखो ना, इसका रेट का हाफ, ठीक है? रेट, रेट ऑफ डिसिपेंस, सॉरी ये जो है ये कितना है? ये 2×रेट है, तो रेट कितना है? इतना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? इतना, ठीक है? सिमिलरली क्या बोला उसने? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2, पहले H2 निकालते हैं, यानी कि क्या पूछ रहा है वो हमसे? सिर्फ पूछ रहा है DH2/dt, तो कितना आ जाएगा? DH2/dt क्या जाएगा? 3×रेट, 3×रेट, ठीक है? समझ में आया? पक्का पक्का, ठीक है? तो 3 इंटू
3 इनटू रेट कितना आ रहा, रेट कितना आ रहा, 5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो 15 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5, यूनिट जरूर लिखनी है, मोल पर लीटर पर सेकंड, एग्री। अब उसने क्या बोला, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2, N2 भी बोला, ठीक है, N2 भी बोला, इसका मतलब क्या, dN2 by dt, और dN2 by dt क्या है, वो रेट के बराबर है, is equal to rate, तो कितना जाएगा, रेट कितना है, 5 into 10 is to power minus 5, मोल पर लीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन के क्वेश्चन कैसे करने हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे आज हमारा खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। याद है कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलिए। नहीं है? चलिए फिर इतना कर लेते हैं आज, ठीक है। और बेटा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सबसे बार बार ना, आप वीडियोस पूरा देखा करिए ना। जब तक आप वीडियोस को पूरा नहीं देखेंगे आपको कैसे समझ में आएगा? आप गलती पे गलती करते रहते हैं, ठीक है। तो वीडियोस को पूरा देखिएगा, ठीक है बेटा। तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं, अगले वीडियो में रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।